टीम काय चेंजेस केले का तू? हो मी तुझी टीम बघितली नाही बरं का? काय मी माझी टीम आत्ता बनवणार आहे. मैंने डिसाइड किया है, मैं टीम शाम को ही बनाऊंगा. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल. ओ बाबा, कीटावर आता वाळले का? सगळं वाळला असेल, भरून देव. कल अंगद का कीट बाहर सुखाने को रखा था, बाहर धूप आई थी तो बहुत दिनों से धूप में नहीं सुखाया था, तो धूप में रख के सुखाया. बारिश में क्या होता है, हेयर ड्रायर से सुखा दो, बट धूप में सुखाना ज्यादा अच्छा रहता है, स्लोली सूखता है, प्लस धूप थोड़ी डिसइंफेक्टेंट भी होती है, तो धूप में सुखाना ज्यादा अच्छा रहता है. आज शायद सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी जाके प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि अंगद का आज होमवर्क हो गया है, उसको एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं है, तो थोड़ा आधा पौना घंटा जल्दी जाके एकेडमी पे थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा. एंड अगेन स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स के लिए भी वीडियो बनाना है मुझे, बट क्या हो रहा है बारिश की वजह से ना प्रॉपर वीडियो बन पा रही है ना कंटेंट मिल पा रहा है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार नेट प्रैक्टिस डाल के अब वीडियोस बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस या स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, तो वो मुझे नहीं करना है. एंड अगेन मैचेस भी बंद है, सो कंटेंट थोड़ा कम है, बट है दिमाग में दो तीन चीज़ें हैं वो करना है, बट उसको सही टाइमिंग नहीं मिल रहा मेरे को. मतलब बहुत बार क्या धूप नहीं रहती है, कभी कभी बारिश आती है, कभी मैटिंग गीला रहता है, ये सब चीज़ें चालू रहती थी. तो अभी क्या दो दिन से धूप गिरी है, मैटिंग भी ड्राई है, तो अभी शायद वो चीज़ें एग्जीक्यूट करने का दिमाग में है. मैं और अंगद अभी आया है एकेडमी, थोड़ा जल्दी आया, आधे घंटा पहले, क्योंकि मुझे एक थोड़ा मैं सोच रहा था कि स्ट्रीट स्पोर्ट्स के लिए एक वीडियो बनाऊँ, बट क्या है हमारे पीछे कंस्ट्रक्शन का एक साइट चालू है, एक्चुअली वहाँ पर आज स्लैब भरने का काम चालू है, सो इट इज़ वेरी नॉइजी, तो शायद मैं थोड़ा पोस्टपोन करूँगा दो तीन दिन के बाद, जब ये एक्चुअली काम रुक जाएगा उसके बाद मैं उस वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि उस पर मुझे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करना है, और सिंस अगर पीछे आवाज़ चालू रहेगा तो वो वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा. थोड़ा शांत रहेगा ना तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, मज़ा आता है, एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं रहता. एंड सिंस ये कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हुई है ना, तब से एकेडमी पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा शांत जगह थी. क्या हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी थोड़ा कम भी रहता है, बट आज उनका शायद स्लैब भरने का काम चालू, तो आज थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ है. एंड अगेन अगर मैं माइक रखूँगा तो माइक और ज़्यादा आवाज़ कैप्चर कर लेगा, सो सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाद में बनाता हूँ वीडियो. उठला डायरेक्ट फोनवरती बसला. फोनवर कुठे बसले? आई एम नॉट सिटिंग ऑन फोन. शाम हो गई है, मैं एक्चुअली सोया था. आज के अंगद को बॉलिंग डाली ना, तो थोड़ा थकने को हुआ एंड एक घंटा बॉलिंग डाल रहा था ऑलमोस्ट, तो आके थोड़ा लेट गया तो आग लग गई, सो गया. अग्नि ने शूटिंग निकाला, उसके आवाज़ से मैं उठ गया. एक्चुअली मेरी गाड़ी का स्टार्टर का बटन थोड़ा टूट गया, तो वो मुझे दे के आना है गाड़ी, तो अगर जल्दी तुरंत वहीं पे मिल जाता है तो वहीं पे लगा लूँगा, नहीं तो शायद एक दिन मुझे किक स्टार्ट ही करनी पड़ेगी गाड़ी. क्या होता है बारिश ख़त्म होने के बाद जैसे क्लाइमेट ड्राई होता है ना, तो पेड़ों को हर दिन पानी देना पड़ता है, अदरवाइज़ पेड़ थोड़े ड्राई होने लगते हैं. मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि सुपर वाइड एंगल अच्छा है कि नॉर्मल वाइड एंगल अच्छा है, तो बहुत जन का मिक्स रिप्लाई आया है. कुछ लोगों को पुराना वाला वाइड एंगल अच्छा लगा, कुछ लोगों को सुपर व्यू अच्छा लगा. मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर ओपन स्पेस है, जैसे ग्राउंड पे है या आउटडोर में है या बाइक पे है, एट दैट टाइम सुपर व्यू लेना सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह कैप्चर हो जाती है, वहाँ पर फिश आई थोड़ा कम होता है, बट घर में या थोड़ा क्लोज मतलब बालकनी में भी मैं खड़ा हूँ तो पीछे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो ऐसी जगह पे नॉर्मल वाइड फ्रेम ही यूज़ करना सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिश आई इफेक्ट आ जाता था. नहीं तो कि अभी ये एंगल आपको देखने में आदत पड़ गई है, वाइड एंगल देखने की अभी तक आदत नहीं है लोगों को. बहुत सारे यूट्यूबर्स वाइड एंगल यूज़ करते हैं सुपर व्यू, उस वाइड एंगल की आपके आँखों का आदत पड़ने की ज़रूरत होती है. अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा ही करूँगा कि नॉर्मल घर पर मैं वाइड एंगल यूज़ करूँगा, एंड आउटडोर जाऊँगा या बाइक पर रहूँगा तो सुपर व्यू यूज़ करूँगा. ये देखो ये स्टार्टर एक्चुअली स्कूटर का टूट गया. अंगद की बैट रखी थी ऐसे एंड टर्निंग लेते टाइम हैंडल ट्विस्ट हो गया यहाँ पे और ये टूट के बाहर आ गया. अभी ये स्विच ही बदलना पड़ेगा शायद, तो लेके जाता हूँ अभी मैकेनिक के पास,
कल ही उसके पास से सर्विस करके लेके आया था। बट अभी लोचा ऐसा है कि किक मार के स्टार्ट करना पड़ेगा गाड़ी की। तो बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ इसका किक मार के स्टार्ट। अरे वाह, चल मेरे दोनों पहले किक में स्टार्ट हो गई। ओके। चलो ओके, स्विच बैठ गया, खड़े खड़े काम हो गया, अच्छा हो गया, नहीं तो कल भी वापस किक मार के चालू करना पड़ता था। आई ना फोटो ना वीडियोस काट लेने था। कल का मुंबई और आरसीबी का जो मैच हुआ, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। आरसीबी बहुत अच्छी खेली, मुंबई भी अच्छी खेली। मुंबई के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले, बट जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे वो बहुत अच्छा खेले। स्पेशली ईशान किशन, सेंचुरी नहीं उसकी, 99 पे आउट हो गई, ही डिजर्व्स अ सेंचुरी, बट ठीक है, टीम के लिए खेल रहा था तो शायद उसने सेंचुरी पे उतना नहीं ध्यान दिया, बट उसका सेंचुरी होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे लगता है एक्चुअली ये आईपीएल में बहुत ही ज़्यादा यंग टैलेंट प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो भी सीनियर प्लेयर है उससे ज़्यादा अच्छा तो नए यंग जनरेशन के प्लेयर्स खेल रहे हैं, एंड होपफुली अपने इंडियन क्रिकेट टीम में ये लोग अपनी जगह बनाए। मयंक अग्रवाल ने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई, बट मयंक अग्रवाल को बहुत ज़्यादा टाइम लगा आने को, क्योंकि मयंक अग्रवाल पहले से बहुत अच्छे खेलते थे, रणजी में भी अच्छा खेलते थे, बट उनको आने में बहुत ही लेट हुआ। संजू सैमसंग, हाई टाइम हो गया है टीम में आने के लिए, संजू सैमसंग इंडियन टीम में आना चाहिए। देन ईशान किशन है, उनको चांस मिलना चाहिए। पड्डिकल है, वो आने चाहिए। बिश्नोई है, रवि बिश्नोई है, वो आ सकते हैं। बहुत यंग प्लेयर है जो अब इंडियन क्रिकेट टीम में जगह डिजर्व करते हैं एंड उनको चांस देना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि 6 महीने के ब्रेक के बाद ये लोग खेल रहे थे, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इनको खेलने में, बट ऐसे हुआ नहीं। आईपीएल की सारी मैच बहुत ही अच्छी रही एंड होपफुली ये सब नए टैलेंटेड प्लेयर हमें इंडियन टीम में दिखाई दे, ऐसी आशा करता हूँ। हिबिस्कस पे थोड़ी इंसेक्ट्स आए हुए लग रहे हैं मुझे, तो अभी क्लाइमेट ठंडा है तो अभी सही टाइम है उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड मारने का। ये कॉन्फिडोर करके इंसेक्टिसाइड है, काउंटर स्ट्राइक, अंगद काउंटर टेररिस्ट, ऐसा रखता हूँ। ओके, ये बग का खासियत ऐसे है, जब भी फ्लावरिंग होता है ना, अच्छा फ्लावरिंग आता है तो ये बरोबर आ जाते हैं। इसको भी देखो, इसको भी फ्लावर्स बर्ड्स आना चालू हो गए, बेटर तो पहले ही इसको सेफर साइड मारना अच्छा रहेगा। तो गुलाब के पेड़ को क्या होता है, पत्ते के नीचे से भी कभी कभी उसको बग लगता है, तो उसको ऊपर से और नीचे से दोनों बाजू से स्प्रे करना पड़ता है। ए बोल्ट, ये इकड़े, ये बाहर, अपन गाणं ऐकू, गाणं, ये गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, कम हियर। अभी 7:15 तो सब लोग की घंटी बजना चालू हो गया ड्रीम इलेवन का टीम बनाने के लिए। कल मेरे दोस्त को भी मैंने रेफर किया था तो उन्होंने भी टीम बनाई थी, वो भी आज इंटरेस्टेड है, वो भी आ जा रहे हैं, बोले आज भी वापस टीम बनाना है हमको। बोला आ जाओ, टीम भी बनाएंगे, थोड़ा बैठ के चाय वाय भी पियेंगे शाम को। आज थोड़ा मुझे ज़्यादा कुछ ब्लॉग करने को हुआ नहीं, क्योंकि आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब था मॉर्निंग से एंड ब्लॉग करने के मूड में ही नहीं था। फिर दोपहर के बाद थोड़ा सो के थोड़ा फ्रेश हुआ तभी मैंने ब्लॉग करना शुरू किया। फिर मॉर्निंग को अंगद का प्रैक्टिस ले रहा था, प्रैक्टिस में थोड़े नॉकिंग के भी वीडियोस बनाए। जो मुझे स्ट्रेटेड स्पोर्ट्स के लिए वीडियो बनाना था वो नहीं बना सका बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस, तो ठीक है, कई किसी दिन बाद में कर लेंगे। अभी बोल्ट और मैं बाहर घूमने के लिए आए बालकनी में, एंड एज ऑलवेज बोल्ट यहाँ पे सुसु कर रहा है। बोल्ट का क्या होता है, बाथरूम में उसको अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो बाथरूम में कभी बाथरूम में जाता है, कभी बालकनी में आता है, तो रोज़ मॉर्निंग को और शाम को थोड़ा पानी डाल के बालकनी साफ़ करना पड़ता है, बट ठीक है, प्यारा बच्चा है वो। ओ बुल्टू, काय तू, काय काय काय, तुला पेडिग्री खाल्लं, तू पेडिग्री खाल्लं, प्रक्षोदिनी पेडिग्री दिलं तुला, उसको सिर्फ खाने का है और सुसु करने का है। ए ते किटवर सुसु करू नको, अंगूचं किट आहे ना ते, अंगूचं किटवर सुसु नाही करायची। हां बुल्टू, गुड बॉय, गुड बॉय। बोल्ट को गुड बॉय बोलता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको मालूम है गुड बॉय बोला मतलब उसका तारीफ किया है।
नो बोला ना तो उसको समझता है नो, तो वो डर जाता है। बोल्ट को मैंने तभी लाया था जब ही ना बोल्ट 15 दिन का था। मेरे पास जितने भी डॉग्स हुए हैं वो सभी डॉग्स हम लोग ने छोटे थे डॉग्स तभी लाए थे जब ही उनका आँख भी नहीं खुलता है, तो जैसे वो आँख खुलते हैं ना वो आपको ही देखते हैं। सो उसके बाद जो बॉन्डिंग बनता है ना डॉग्स के साथ या पेट के साथ वो अलग ही रहता है, वो आपकी हर बात समझता है। आप जितना भी उसको बोलोगे ना उसको सब समझ में आता है, क्योंकि आँख खुलने के बाद उन्होंने अब उसकी मम्मी डैडी को नहीं आपको देखा रहता है, तो आप और आप उसके लिए उसके पेरेंट ही होते हो। तो बोल्ट का भी वैसा ही है, बोल्ट कभी भी कोने में नहीं सोया, हमेशा हमारे बाजू में ही सोता है बचपन से लेके अभी तक। वो खुद को अंगद और अग्नि के जैसा ही समझता है। टीम का है चेंजेस के लिए का तू हो मी तुझी टीम बघितली नाही बर का काय मी माझी टीम आत्ता बनवणार आहे। मैंने डिसाइड किया है मैं टीम शाम को ही बनाऊंगा, मॉर्निंग को बना के रख के ना बाद में चेंजेस करना होता है। कल क्या हो गया, मैंने डीकॉक को लिया था और ईशान किशन बाद में ऐड हो गया ना, तो ईशान किशन को डालना मैं, अगर ईशान किशन होता ना मुझे मालूम होता कि ईशान किशन है तो मैं पक्का ईशान किशन को लेता, डीकॉक को नहीं लेता। ईशान किशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है एकदम। अंगद का टीम क्यों सुबह बनाया मालूम है क्या, क्योंकि हमको ना कुछ बोनस आया हुआ था, तो बोनस एक्वायर करने के लिए हम लोग ने मॉर्निंग को टीम बनाया। तो मित्रों आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, भले आज का व्लॉग छोटा हो तो भी लाइक कीजिएगा, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा तो हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। सो दोस्तों एज ऑलवेज बाय फॉर नाउ।